किसानों की तरफ नेगेटिव रुख है सरकार का, सरकार काम नहीं करना चाहती। हम जो सड़कों पर पड़े रहे हैं बहुत दिन, एक नहीं अनगिनत पीड़ाएं हैं। गांव में विकास सिर्फ नाम का है। 2014 से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, 14 दिया, 17 दी, 19 दी, 22 दी, विधानसभा भी गिनवा दिए हैं आप दी और लोकसभा भी दी, सब बीजेपी के मोदी के मुरी दे। आज स्थिति युवा किसान जो है ना बिल्कुल सुकेट दिया। 5 साल होगी हमको सारे किसानों को बैठे बैठे, जाड़ा हो गर्मी हो, वहाँ अथॉरिटी पे धरना देते देते, आज तक किसी ने सुना नहीं, ना एमपी ने ना एमएलए ने। हम ऐसे जो हमारी नहीं सुने ऐसे एमपी एमएलए को क्यों वोट दें? लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। जी हां, 19 अप्रैल से वोटों की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 चरण में चुनाव हैं, जिसके जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे। हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा के बदौली गांव में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ यहां की आम जनता मौजूद हैं, गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत के मुद्दे होंगे कि 5 साल में क्या काम किया है, इनके पास समस्याएँ क्या क्या हैं, किन समस्याओं को हल किया गया है और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान भी नहीं दिया गया है। इनसे इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और किस आधार पर ये वोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले यहां चलते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं आप? किसान है। क्या समस्या है यहाँ पे किसान को? एक तो 5% एक भाई को मिल गया, एक को नहीं मिला जी। दूसरे हमारी नवेदा करने आबादी में नाम चढ़ा रखा जमीनों पे, 10% नहीं मिला आज तक भी, एक भाई को मिल गया, एक को नहीं मिला मैम। ये समस्या है हमारी, कोई सुनने वाला नहीं। हमने खूब आंदोलन करे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनता ही नहीं। कब से ये समस्या आपको आ रही है? ये तो दस साल हो गई जी हमको। 10 साल हो गए। हाँ जी। किसकी सरकार में समस्या उत्पन्न की गई थी? ये तो वैसे चलिए जी मायावती से, 2007 से जी। 10 साल से भी ज्यादा का लंबा टाइम हो गया। हाँ ज्यादा हो गया सर। अब तक ये समस्या हल नहीं हुई? नहीं हुई आज तक भी। हमने धरने दिए बहुत, काफी धरने दिए, अथॉरिटी में भी किसी ने नहीं सुना। अब हमारा एक भाई को मिल गया, एक भाई को नहीं मिला तो कौन सा कानून है? तो ऐसा क्यों? लेकिन अब ये तो गवर्नमेंट नहीं जाना है, अथॉरिटी जाना है, हम क्या बोल सकते हैं उनसे? जब सुनते नहीं हमारी बात को तो क्या करेंगे? अच्छा। हाँ यही परेशानी है हमको। गाँव की क्या समस्या है? सारी समस्या 10% नहीं दिया, आबादी का कोई वो नहीं करा अभी तक भी, तो हमें 10% जाडे में भी छोटे छोटे बच्चे भी अथॉरिटी में जडाई मरी, 4 महीने धरना दिया। 3 साल से मैम धरना दे रही, 3 साल से, बहुत साल होगी धरना देते देते, किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं सुना। पंकज के घर पे कोई ना हमारे पास आया, बताओ कोई नहीं आया हमारे पास धरने में, सरकार बीजेपी के कोई नहीं आया। तो लेकिन ये समस्या तो मायावती जी के समय से है, अब तक भी सॉल्व नहीं हो पाई है, उससे बाद में हुई है ये तो। भाई को तो कोर्ट द्वारा हुआ ये, कोर्ट ने कहा सबको दिया जावे, जो कोर्ट पहुंचा उन्हें दे दिया, जो नहीं पहुंचा, जब अखिलेश की सरकार ही सबको मिलेगा, मायावती की सरकार में होगा 2011 में। आज तक नहीं किया गया था कि होगी समस्या पूरी, सब किसानों को दिया जाएगा, सब किसानों को दिया जाएगा। क्या मिला फिर? कुछ नहीं मिला। एक भाई चला गया कोर्ट, उसको मिल गया, एक भाई नहीं चला गया उसको नहीं मिला, एक भाई कोर्ट चला गया उसको मिल गया, एक को नहीं गया तो यहाँ बैठे ऑटोटिन रोक दिए, कोर्ट मत जाओ ये मिल जाए आपको मुआवजा। तो अथॉरिटी आज तक सुनी नहीं हमारी कोई बात, 10 साल से भी। तो अब उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करेगी, अगर दोबारा वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे आप, क्या सोचते हैं किसकी सरकार बने? देखो हम तो मोदी को ही समझते हैं, मोदी को ही वोट दे रहे हैं। लेकिन आपकी बात तो सुनी नहीं ना मोदी जी ने। मोदी ने तो नहीं, ये नीचे नहीं सुनते जी, नीचे वाले महेश नहीं सुनता है, पंकज नहीं सुनता, हमारे मास्टर जी नहीं सुनते। सांसद जी की बात कर रहे हैं? हाँ जी संसद जी की, उनने सुनी नहीं हमारी कोई बात आज तक भी, संसद जी आने थोड़ी नहीं, को घर पे जा लिए। इलाके में देखा है सांसद जी को यहाँ पे? नहीं अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए इधर, नहीं कभी कुछ कभी नहीं देखा ना, वैसे तो आते रहे हैं पर अब नहीं आए फिलहाल, जो चल रहा है अभी नहीं आई। वोट के लिए आए? वोट के लिए भाई डोल रहा उसका, इधर तो आए नहीं अभी वोट के लिए, भाई डोल रहा उसका और तो उधर आए। आप क्या कहेंगे? हमने नहीं देखा जी अभी तक तो, आए ना यहाँ हमारे पास तो। हाँ अंकल जी आप क्या करते हैं? हाँ आपको यही कॉमन सबको ये करेंगे। ये बताइए जब समस्या हल ही नहीं हुई है तो किस आधार पर वोट डालेंगे, किसको वोट देंगे? हम तो अभी जो है वोट देने के मूड में ही नहीं है किसी को भी। 22 तारीख को हमारे संगठन की जो मीटिंग है
उसमें फाइनल करेंगे कि किसको वोट देनी है किसको नहीं देनी है, जो संगठन निर्णय करेगा उसको वोट देंगे। देखिए बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों पे बहुत फोकस किया गया है, तो क्या लगता है जो ये समस्या है 10% की, एक भाई को मिल गया दूसरे भाई को नहीं मिला, ये जो ऐसी समस्या है इस पे इसका कोई कुछ हल होगा या नहीं होगा? हमें क्या पता होगा ना होगा, उम्मीद है आपको या नहीं है? नहीं तो करेंगे हल, हम पे थोड़ी हो रहा है, हम तो डोले धक्का खावे कहे सुने कुछ सुनते ही नहीं कोई नहीं सुन रहा। हमारे घर पे नाम चढ़ा रखा जी, मैं नवेडा ने हमारे घर पे नाम चढ़ा रखा है दर्ज, जब अगर 150 प्लॉट बेचे ना गज का तो हम 21 बेटी का बेटा का ब्याह करें तो उस पर भी जो ना नवेडा का नाम चढ़ा हुआ, 38 नवेडा का नाम चढ़ा हुआ हमारे घर पे भी, जहाँ पाए पेरीफेल से अंदर अंदर सब पे चढ़ा हुआ नाम है नवेडा का। ये बताइए इतनी दिक्कत आ रही है आपको, मोदी जी को वोट देंगे? वो तो समय बताएगा, वो हमारी बात को हल करने की कहेंगे तो देंगे, ना कहेंगे तो टाल भी कर देंगे। हाँ तो फिर क्या चाहते हैं आपके पास, प्रधानमंत्री कौन बने? बनना तो मोदी ही चाहिए, नहीं समझे? नहीं समझे ना, पर हमारे काम भी तो होने चाहिए ना, खाली ये मोदी को वोट देंगे नहीं देंगे तो जब ही जब हमारे काम हम टाल ही कर देंगे वोट देने की। हाँ क्या सोचते हैं आप, किसको वोट डालेंगे, क्या मतलब क्या ख्याल क्या है सरकार के काम को लेके, क्या ख्याल है और सरकार का जो रुख है किसानों की तरफ उसकी उसके ऊपर आपकी क्या राय? किसानों की तरफ नेगेटिव रुख है सरकार का, सरकार काम नहीं करना चाहती। हम जो सड़कों पर पड़े रहे हैं बहुत दिन, यहाँ तक कि हमारे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना प्राधिकरण पर हमारे किसानों ने 6-6, 8-8 महीने धरने दिए हैं, लगातार धरने दिए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं किसान, और सरकारें यहाँ अपने प्रतिनिधियों को भेजती हैं और वादे करवाती हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। आज भी जो है अभी जो धरना स्थगित कर किया था हमारे किसानों का, वो ये कह करके किया था कि आपके किसानों की समस्याओं के लिए एक समिति बनवाई गई है जो मुख्यमंत्री ने नामित की थी, लेकिन उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, और हमारे किसानों की यहाँ इतनी पीड़ाएँ हैं कि कोई गिनती नहीं है, एक नहीं अनगिनत पीड़ाएं हैं। गांव में विकास सिर्फ नाम का है, बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कर दिया है, और वो भी लुटेरों ने किया है, ना कि सरकारों ने किया है या प्राधिकरण हमारी छाती पर बैठा रखी हैं, ये हमें लूटते हैं और विकास थोड़ा बहुत कर देते हैं, बाकी जो किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं ना केंद्र सरकार ने की हैं और ना ही राज्य सरकार ने की हैं, हम पीड़ित हैं, यहाँ हमारी समस्या मूल किसानों की 10% नहीं दिया है, जो कोर्ट ने भी आदेश कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो तब भी मुंडकी मार के बैठे हुए हैं जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं। दूसरा, प्राधिकरणों को इतनी स्वायत्तता दी है हमारी सरकार ने कि जो वो बोर्ड मीटिंग में पास कर दें वही उनकी लागू हो जाती है, ना कि फिर जो है विधानसभा पे उस पर हस्तक्षेप कर पाती है। हमारी आबादियों का निस्तारण कोई नहीं हुआ है और इनके पास बैकलीज से संबंधित कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसके तहत ये बैकलीज करने की बात करते हैं, उसका कोई नियम नहीं है। किसानों की ज़मीनों पे इन्होंने ज़बरदस्ती नाम चढ़ा दिए हैं अपने ऑफिसों में बैठ करके, और किसानों को सिर्फ लूटने का काम किया गया है, ना कि यहाँ किसानों के लिए कोई काम होता है। ये बताइए इतनी समस्याएं आपने मुझे अभी गिनवा दी हैं, 5 साल में मतलब सरकार ने कोई काम नहीं किया क्या? नहीं किया। तो अब की बार क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? जनता जो किसान हैं इतने अगर परेशानी में है तो उनको वोट डालेंगे? हो सकता है प्रधानमंत्री, ये जो वोट दी गई है अब से पहले भी वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दी गई है, काम कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो मतलब कोई भी मोदी सरकार में काम ही नहीं हुआ है? जी बिल्कुल। फिर अब क्या लग रहा है आपको कि वो नहीं तो फिर कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए तो बहुत दावेदार बैठे हैं, लेकिन 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 ऐसा नहीं है, जो पहले आप दावेदार बता दीजिए मुझे, जो जो काम करेगा वो मोदी की जगह बैठेगा। काम कौन करेगा, राहुल गांधी है? फिर नहीं है, नहीं है ना, एक एक करके नाम लूंगी बताती रहेगा। मायावती? मायावती है। नीतीश कुमार नहीं है। ममता बनर्जी? जयंत चौधरी आ सकता है। अखिलेश यादव? ठीक था, अखिलेश नहीं आएगा अभी, नहीं। मतलब आपके अकॉर्डिंगली सिर्फ 3 दावेदार हैं। ठीक है, क्या समस्याएं हैं आपसे ही पूछूंगी, आप बताइए। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या? सब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। सड़क, बिजली, पानी, गांव में विकास, सब कुछ बढ़िया है?
मेन नोएडा की जो दिक्कत थी होती सुरक्षा व्यवस्था को लेके, और आज के टाइम में बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या सोचते हैं आप, क्या ख्याल है सरकार के काम? 2014 से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, 14 दिया, 17 दी, 19 दी, 22 दी, विधानसभा भी गिनवा दिए हैं आप दी और लोकसभा भी दी, सब बीजेपी के मोदी के मुरी दे। आज स्थिति युवक किसान जो है ना बिल्कुल सुकेट दिया, किसान का हमारा जो 10% का और 5% वाला जो मैटर है वो अथॉरिटी निपटाए, जो हमारा जो हमारे आबादियों की मूल समस्या वही है, दो समस्या में बाकी कोई दिक्कत ही ना। किसान परेशान है क्या? परेशान है भाई, हमारी जो जमीन है उस पर किसानों का जो नोएडा प्राधिकरण दर्ज है, मुआवजा 10% का जो 2021 में हुआ है आज तक कोर्ट के द्वारा आज तक मिला नहीं, ये समस्या दो तो बड़ी मोटी मोटी है। क्या आफत आ रही है? आफत ये आ रही है, अब हम 5 साल से यहाँ 10% जो हमारे ये घर है ना, हाँ। जहाँ से आप बड़े हो, हाँ। ये सारे अथॉरिटी के नाम हुए पड़े हैं, कोई एक गज जमीन बेच सकते नहीं, रह सकते नहीं, तीसरे दिन नोटिस आवे अथॉरिटी के, और नोटिस आवे तो फिर उन्हें हम पूज का हो 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 जब घर बच रहे। हम सारे यहाँ किसान नोएडा ग्रेटर नोएडा दोनों के, और सारे गुजर हैं यहाँ, गुजर बाहुल्य इलाका ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में सारे गुजरों का शोषण हो रहा है। 5 साल होगी हमको सारे किसानों को बैठे बैठे, जाड़ा हो गर्मी हो, वहाँ अथॉरिटी पे धरना देते देते आज तक किसी ने सुना नहीं, ना एमपी ने ना एमएलए ने। हम ऐसे जो हमारी नहीं सुने ऐसे एमपी एमएलए को क्यों वोट दें? हम नहीं देंगे बिल्कुल, उस जो चाहे भले ही हमें ना नोटा पे देनी पड़े भाई, हम जब हमारा जो काम नहीं कर रहा, हम 5 साल से बैठे हैं, हर बार चेयरमैन से बात हुई, उसने की तुम्हारी मांग सही है, सब मांग सही, इससे महेश शर्मा जी से, डॉक्टर महेश शर्मा जी से बात हुई, हमारे जो सांसद हैं उन्होंने की तुम्हारी मांग सही भाई, एक भाई को ये तो कहीं भी कानून नहीं है, एक समानता का कानून है, एक भाई को वही जमीन एक भाई ने दी है, एक भाई को तो दे दिया मुआवजा, एक बैठा नहीं। अब जब हम परेशान हैं, हमारी कोई नहीं सुन रही, सरकार ऊपर की नहीं सुन रही, यहाँ के नहीं सुन रहे, हमने 3 बार से बीजेपी के एमएलए एमपी बना रहे हैं 3 बार से लगातार, लेकिन कोई वो हमारी समस्या। अब की बार किसको बनवाएंगे? अब की बार हम मोदी को नहीं देंगे वोट, पूरे गुजर नहीं देंगे, पूरे गुजर नहीं देंगे, क्यों न्यू? अब जब हमारी समस्या ही हल नहीं हो रही तो हम क्यों दें? जब हमारी समस्या ही हल नहीं हो रही तो हम क्यों दे वोट? चक्कर में कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए, किसको बनवाएंगे फिर प्रधानमंत्री? कोई भी नहीं है। फिर देश कौन संभालेगा? मोदी संभालेगा। हाँ, क्या मतलब, आपको खुद पता है आप क्या बोल रहे हैं? हाँ मुझे पता है, वोट नहीं हराना हमको यहाँ हराना है, बनो मोदी, मोदी से कोई हमें बैर नहीं है, मोदी से हमको कोई बैर नहीं है, मोदी अच्छा है बुरा है जैसा भी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, किसानों का गुस्सा जायज है, स्थानीय मुद्दों पे कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रतिनिधि हैं हमारे कुछ कामयाबी कम पाए हैं, उसका कारण ये रहा कि 2014 ये बताइए इतनी आवाज दबी दबी सी क्यों हो रही है? अब फिर तुम मुझे टोकोगे नहीं, आवाज तो फिर हो जाएगी, बड़े बूढ़े बैठे हैं सुनिए, झूठ की डेफिनेशन इनसे पूछूंगा फिर चटक जाएंगे। एक बोल रहा है देश ही नहीं चला पा रहा मोदी, ये भी झूठ है ना, यही बंगले पे बोला जा रहा, लेकिन उनका अपना बेटा है वो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि मोदी झूठा और देश नहीं चला पा रहा, जबकि 10 साल से प्रधानमंत्री और अगले 5 साल होगा, वो नहीं दिखाई दे रहा इनको, उसने मंच पर खड़े होकर ये पंचायत नुमा जो बंगला है इस पर झूठ बोल दिया, तो ये सब चीज़ें डेफिनेशन होती हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ की स्थानीय चीज़ें बताता हूँ, 2014-17 से पहले जो सरकार नहीं उन्होंने ऐसे बीज बो दिए जिनको अब काटना बहुत मुश्किल है, पहले भी किसान धरना देते थे गोलियाँ चलती थी, आज किसान धरना देते नहीं है, अंदर भैंस बकरी बांध दी इन्होंने, अथॉरिटी के ताले लगा दिए, अधिकारियों को बंधक बना लिया, लेकिन ये सरकार ऐसी रही कि इनको पूरी आज़ादी रही कि आप लोकतंत्र की आज़ादी है कि आप सबको बोलने का अधिकार है, यानी पहले की सरकारों को इनको पता, भट्टा पारसौल भी हुआ और घोड़ी कांड भी हुआ है, ग्रेट नोएडा अथॉरिटी में गोली चली, कई किसान शहीद हुए, डीएम तक को गोली लगी, आज ऐसी सरकार है जहाँ ये अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। मैं मानता हूँ अपने बुजुर्ग हैं हमारे, इनकी मांगे जायज हैं, लेकिन कुछ ऐसे जकड़ा हो गए, ऐसे जंग लग गया इन बातों को, इनको सारी पता समस्या भी इनको पता समाधान, जैसे कह रहे हैं मोदी तो आएगा, लेकिन डॉक्टर साहब से इनको थोड़ी बहुत एलर्जी इसलिए है कि डॉक्टर साहब ने उठाया भी है, अमिताभ कांत की एक रिपोर्ट है जिसमें 12 को हक मिला, आपको पता होगा आप पूरे दुनिया में घूम रही हैं, लेकिन
किसानों का 10% का, और ये जो 10% का और ये जो मूल आबादी का मामला है, 2011 में भी अखिलेश की सरकार थी। ठीक है, सवाल चेंज करते हैं, क्या लग रहा है आपकी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, इतना निराश होने के बाद भी? इतने तकड़े विरोधी, जो सुबह उठने से शाम तक सोने तक विरोधी जिनके उंगलियों पे है और उनकी नजरों में, उनके दिमाग में सिर्फ मोदी है, तो आप पूछ रहे हैं क्या होगा? मोदी 400 पार करेंगे अगली बार, ये 100% है। हम लोग ग्रेटर नोएडा के बदौली गांव में मौजूद थे, जहां पर जनता का जो रुख है वो किस तरफ है वो आपने देख ही लिया होगा, और सरकार थोड़ा यहाँ भी ध्यान दे और ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ का जो वोट बैंक है बीजेपी की तरफ से वो खिसकता चला जाएगा, और उनका जो पूरा एक समीकरण उन्होंने बना रखा है वो जो कामयाब उस चीज़ में नहीं हो पाएंगे। लोकसभा चुनावों के हुंकार है और हम लोग भी यहाँ पे जनता के बीच मौजूद थे, जहाँ पर किस आधार पर वोट होगा, जनता के क्या मुद्दे हैं, उस पर हमने बातचीत करने की कोशिश करी। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा।